नमस्कार किसान साथियों, बात कर लेते हैं प्याज के किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। किसान साथियों, हम अगर आपके बारे में इस वीडियो में बताएं तो प्याज का जो भाव है इस समय बांग्लादेश निर्यात होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब बांग्लादेश में निर्यात काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। और प्याज का जो भाव है वो क्या दोगुने स्तर पर जाएगा, प्याज का रकबा कैसा है, प्याज की स्थिति कैसी है, प्याज में जो स्टोर है नेफेड की जानकारी कैसी है, प्याज क्या 4000 के करीब जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि इस समय 3000-3200 की रेंज में प्याज बिकता हुआ नज़र आ रहा है। तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें प्याज नेफेड की, तो नेफेड की आज 2 बजे मीटिंग होने जा रही थी। मीटिंग में जो अभी कोई सारांश निकल कर नहीं आया, जैसे ही मीटिंग की नेफेड की जो जानकारी सामने आएगी हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। किसान साथियों, नेफेड भी प्याज खरीद सकता है और अच्छे दामों में खरीद सकता है, और आप इस वीडियो के अनुमान से अपना निर्णय ले सकते हैं। फिर भी आपकी फसल है, आप अपनी फसल का निर्णय अपने स्वयं विवेक से लें। अगर बात करें मंडियों में स्थिति, तो मंडियों में इस समय आवक कम होने के कारण तेजी बनी हुई है। मतलब अच्छी खासी जो मात्रा में 3000 से लेकर 3200-3500 की रेंज में जो प्याज है वो बिकता हुआ नज़र आ रहा है। किसान साथियों, अगर मीडियम बात करें तो अच्छी खासी जो माहौल है मीडियम स्तर पर देखने को मिल रहा है। प्याज की जो स्थिति है सही बिकता हुआ प्याज नज़र आ रहा है। मतलब 2500 रुपये से लेकर 3000 के करीब जो स्तर है, 3000 के करीब जो भाव है वो मंडियों में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और आने वाले समय की अगर बात करें तो तेज़ी आने की बड़ी उम्मीद भी नज़र आ सकती है। किसान साथियों, यहीं पर अगर बात करें तो निर्यात की तो काफ़ी देशों में जैसे मलेशिया है और भी कई देश हैं, UK और जैसे कि सऊदी अरबिया है, यहाँ पर भी अपना प्याज निर्यात हो रहा है, अपने इंडिया का प्याज निर्यात हो रहा है। और बांग्लादेश, एशियाई देशों की बात करें तो बांग्लादेश में प्याज निर्यात हो रहा है। बांग्लादेश में 95% बांग्लादेश अगर प्याज आयात करता तो अपना इंडिया ही से ही आयात करता है। इंडिया का प्याज 95% बांग्लादेश में निर्यात किया जाता है, तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। अभी 50 से लेकर 80 ट्रक जो बांग्लादेश की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा सकता है। बात करें भविष्य की, तो आने वाले समय में अच्छी खासी पकड़ और अच्छी खासी तेज़ी आने की एक बड़ी उम्मीद भी नज़र आ सकती है। प्याज का स्तर कहीं ना कहीं आने वाले समय में ज़बरदस्त तेज़ी आने की उम्मीद भी नज़र आ सकता है किसान साथियों, क्योंकि प्याज का जो भाव है इस समय स्टॉक भी कर रहे हैं किसान भाई, स्टॉक माल भी निकालने में समय लगेगा। और प्याज की जो मात्रा है वो 3000 से भी ऊपर की देखने को मिलेगी। आने वाले समय में तेज़ी आने की एक बड़ी उम्मीद, हम कह सकते हैं प्रक्रिया के तौर पर उम्मीद नज़र आ सकती है। स्थिति बहरहाल तेज़ी के दौर में ही है। मंडियों की जो स्थिति है वो रुकावट भरी नहीं है। 2500 से लेकर 3200 का जो भाव है वो मंडियों में देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है प्याज के भाव को लेकर। और किसान साथियों, ऐसे में आपका निजी अनुमान क्या है तो हमें को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और आपका निजी निर्णय क्या है, आप अपनी फसल कैसे भी बेच सकते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ किसान साथियों।